हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गुरुद्वारा स्पेशल प्रसाद, जो इतना नरम होता है कि खाते ही मुंह में घुल जाए। तो चलिए ये आसान सी लेकिन बहुत ही टेस्टी गुरुद्वारा प्रसाद के हलवे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसके अंदर 100 ग्राम घी ले लेंगे। जो मेज़रमेंट हम लेंगे वो एक ही कप या फिर एक बोल से आप नाप लें या फिर ग्राम्स में ले लें। तो ये 100 ग्राम घी है, तो 100 ग्राम घी में ही हम 100 ग्राम गेहूं का आटा डालेंगे। आटा आप बारीक या मोटा कोई भी ले सकते हैं। अब इस आटे को घी में डालकर एकदम लो फ्लेम पर हमें धीरे धीरे पकाना है। आटा और घी आप देख सकते हैं हमने बराबर लिया है, इसलिए इसे घी के अंदर रोस्ट करना बहुत ही आसान है। लो फ्लेम पर जैसे जैसे रोस्ट करेंगे आटा अपना कलर चेंज करने लगेगा और बहुत ही अच्छी खुशबू इसके अंदर आने लगेगी। तो अभी आप देख सकते हैं शुरुआत में जब हम घी के अंदर आटा रोस्ट कर रहे हैं तो आटा कैसे फूल रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करते जाएंगे ये कलर में चेंज होने लगेगा, अच्छी खुशबू आने लगेगी, झाग इसके कम होने लगेंगे और जो आटा और घी है वो सेपरेट होने लगेगा। यानी फिर आटा जैसे ही अच्छे से रोस्ट हो जाएगा वो पैंदे में नीचे बैठने लगेगा। ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो गुरुद्वारा प्रसाद की रेसिपी है, यानी गुरुद्वारे में स्पेशल इसी तरह का प्रसाद दिया जाता है, इसलिए इसमें घी की क्वांटिटी हमने बराबर रखी है। लेकिन यदि आप घर पर बना रहे हैं या ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो कम घी में भी आटे को रोस्ट करके ये हलवा बना सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो मिश्रण है वो कैसे एकदम अलग होने लगा है, यानी आटा और घी एकदम अलग दिखाई देने लगे हैं। तो जैसे ही हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ देते हैं बिना हिलाए, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही जल्दी सेपरेट होने लगे हैं। घी की लेयर आटे के ऊपर आ गई है और आटा नीचे बैठ गया है, यानी ये एकदम परफेक्टली रोस्ट हो चुका है। तो अब बारी आती है इसमें चीनी डालने की। तो जितना हमने आटे का इस्तेमाल किया है, यानी 100 ग्राम आटा डाला था, तो 100 ग्राम ही हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आटे के बराबर ही चीनी डालने से हलवा ना तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है और ना ही कम मीठा होता है। अब चीनी को हम मिक्स कर लेते हैं। हलवा बनाने की कई प्रोसेस होती हैं, यानी आप चीनी को पहले से ही पानी के अंदर घोलकर फिर इसमें डाल सकते हैं, या फिर पहले ही चीनी इसके अंदर डाल दें और फिर गर्म पानी इसके अंदर डाल दें। तो 500 ml गर्म पानी हम ले लेंगे और डालते समय थोड़ा सा कवर ऊपर कर देंगे ताकि इसके छींटे ना आएँ। और क्योंकि हमने गर्म पानी डाला है तो कुकिंग प्रोसेस भी बिल्कुल स्लो नहीं होगी और आटा बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। तो ये देखिए कितनी जल्दी गाढ़ा होने लगा है। तो बहुत ही सावधानी से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, ये बहुत ही जल्दी पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा। अब जैसे जैसे हम हलवे को इस तरह मिक्स करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कैसे हलवा घी छोड़ने लगा है। और गुरुद्वारे में जो प्रसाद मिलता है आप देख सकते हैं उसमें घी आपको अलग तैरता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें कोई फ्लेवर्स भी ऐड नहीं किए जाते हैं, फिर भी ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये हमारा प्रसाद वाला हलवा बनकर तैयार है, इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो यदि आज की ये हलवे की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपनी फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।